नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आइए आज बताते हैं कि यदि बच्चों के आपके लंग में कैंसर हो जाता है तो उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, और शुरुआती दौर में उसको मतलब कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे के लंग्स में कैंसर हो चुका है। तो यदि आपका बच्चा 1-2 साल का है तो आप उसके बेहद ख्याल रखें ताकि इन बीमारियों से छुटकारा पा सके। बात करें बच्चों में होने वाले फेफड़ों के कैंसर की, तो नवजात और बच्चों में भी इनके मामले सामने आते हैं। अगर समय पर निदान न किया जाए तो ये समस्या आगे चलकर उनके लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर देती है। लंग कैंसर यानी कि फेफड़े में जो कैंसर होता है, एक गंभीर समस्या है जो कि किसी व्यक्ति के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी का पता काफ़ी देर में चलता है, जिस वजह से लोगों के लिए उपचार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वहीं बात करें बच्चों में होने वाले फेफड़े के कैंसर की, तो नवजात बच्चों में या तो इसके मामले सामने आते हैं। अगर समय पर निदान न किया जाए तो समस्या आगे चलकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और परेशानी खड़ी कर सकती है। बच्चों में फेफड़े के कैंसर की शुरुआत किस उम्र से शुरू होती है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में फेफड़े का कैंसर बहुत कम होता है, कुछ मिलाकर अन्य बचपन के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा आदि आम हैं। फेफड़े और वायुमार्ग से जुड़े ट्यूमर नवजात शिशुओं और बच्चों में देखे जा सकते हैं। शिशुओं और 1-2 साल के बच्चों में देखा जाता है। कार्सिनोइड ज़्यादातर 12 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है। और बच्चों में फेफड़े के कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं, किस मतलब 1-2 साल के बच्चों में जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी जान लीजिएगा। लक्षण एक पुरानी खांसी से शुरू हो जाते हैं, और खांसी के साथ एक व्यक्ति की गहरी सांस लेने पर सीने में जो है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, उससे थकान महसूस होती है, बिना किसी वजह के थकान होती है और सांस फूलने लगती है, भूख में कमी महसूस होती है, उसको गला बैठने लगता है या बोलने में घड़घड़ाहट सी होती है, उसको घबराहट ज़्यादा होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। खांसी के साथ बलगम और खून आने वाली जैसी समस्या हो जाती है, मतलब यदि कोई खाना खाता है तो उसे निगलने में दिक्कत होती है, सूजा हुआ चेहरा रहता है, चेहरा फूला सा लगता है, लोगों को लगातार फेफड़ों संक्रमण का अनुभव भी हो सकता है, और जैसे फेफड़ों का कैंसर शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है और अतिरिक्त लक्षण पैदा कर सकता है। बच्चों में बड़े लोगों की तुलना में फेफड़ों का कैंसर किस प्रकार अलग होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों में मायोफिब्रोब्लास्टिक ट्यूमर और कार्सिनोइड्स प्लूरोपुलमोनरी ब्लास्टोमा और जैसे ट्यूमर होते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एडेनोकार्सिनोमा, ये ट्यूमर वयस्कों में आम बात है और बच्चों में भी बहुत कम होते हैं। बच्चों में फेफड़े के कैंसर को किस प्रकार से रोका जा सकता है, आइए उपचार के बारे में बात कर ली जाए। बायोप्सी रिपोर्ट पर ट्यूमर के प्रकार के आधार पर फेफड़ों और वायुमार्ग से जुड़े बच्चों के कैंसर का इलाज सर्जरी की मोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा से किया जा सकता है, यानी कि MRI टेस्ट और CT स्कैन के जरिए इसको सुधारा जा सकता है। ब्रोंकस तक सीमित कार्सिनोइड जैसे ट्यूमर का इलाज ब्रोंकियल लेजर एक्सिशन या ब्रोंकोप्लास्टिक सर्जिकल रिसेक्शन से किया जा सकता है। अधिक उन्नत ट्यूमर को रोग को नियंत्रित करने के लिए कीमोथेरेपी और कभी कभी विकिरण की आवश्यकता होती है। बच्चों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।